कौन है धरती में 28 धातु है। कितने धातु है? 28 और 5 तत्व है। तो 5 जो बच्चे हैं उनको भूमिका बना दिया गया और जो 28 बच्चे हैं उनको धातु के रूप में बांट दिया गया। तो आज हमारे समाज में ये 33 बच्चों को बांट दिया गया है। तो कैसे बांटा है मैं आपको बता रहा हूं। जो सफेद ड्रेस वाले बच्चे थे जिनको अलाम बच्चे कहा जाता था, अलाम बच्चे जो थे 5 थे, उनको भूमिका के रूप में बांटा गया। उनके नाम बता रहा हूं जो भूमिका बने हमारे 5 बच्चे अलाम हिंदी में। पहला जो बच्चा है उसको कहा गया नारायण सूर भूमिका। किस नाम से? नारायण सूर। दूसरा था कोला सूर, तीसरा था हीरा ज्योति, चौथा था मानकुर सुगाल और पांचवा था तुरपुर आय। ये 5 भूमिका बने हैं हमारे समाज के। ये याद होना चाहिए हमको, नारायण सूर, कोला सूर, हीरा ज्योति, मानकुर सुगाल, तुरपुर आय, ये भूमिका है हमारे। ये भूमिकाओं का भी बंटवारा हुआ है। कैसे? जो नारायण सूर भूमिका है, आपके घर बेगा बोलते हैं, जो नारायण सूर भूमिका है, जो गुरु है, ये एक देव से लेके 3 देव वालों का भूमिका कहलाता है। इसका भूमिका है 1 वालों का, 2 वालों का और 3 वालों का। कौन है? नारायण सूर भूमिका। जब भी हमारे घर में पूजा पाठ होती है, अगर आप आपके भूमिका को भूल जाओगे जो कुल का भूमिका है, तो समझ जाओ तुम्हारी पूजा सफल होने वाली नहीं है। क्योंकि इसको भी होम धूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि भूमिका हाथ में होता सब कुछ बेगा के हाथ में रहता कि नहीं। गांव में अगर भूमिका कुछ भी करे तो बेगा के हाथ में रहता। इसके बाद जिसको लिखना है तो लिखते भी जाइए। 1 से लेके 3 देव वालों का भूमिका है नारायण सूर भूमिका। लिख रहे कोई? और 4 देव वाले है ना, यहाँ 4 देव वाले हाथ उठाना, उठाए थे। हाँ, आप लोगों का भूमिका है कोला सूर भूमिका। कौन सा? कोला सूर। और 1, 2, 3 वालों को बता दिया, जैसे हमारे राजा साहब बैठे मरकाम जी, ठीक है ना? उनका जो भूमिका है वो है नारायण सूर 3 वालों का। इसके बाद 3 वाले हो गए, 4 वाले हो गए, इसके बाद 5 वाले है ना, 5 वाले। 5 वालों का भूमिका है हीरा ज्योति भूमिका। हीरा ज्योति। और इसके बाद 7 वाले भी है ना, मंडावी लोग होंगे, सब साथ में आते हैं। मंडावी 7 देवधारियों का भूमिका है तुरपुर आय भूमिका। कुछ क्षेत्र में तुरपुराय बोलते हैं, कुछ क्षेत्र में तुरपोटियाल बोलते हैं, एक ही का नाम है। भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तुरपोटियाल तुरपुराय एक ही है। ये 7 वालों का, तो ये 5 तत्वों का प्रतीक माने गए हैं। 5 तत्वों के प्रतीक है ये 5 भूमिका। जैसे जो नारायण सूर भूमिका बोला पहला, ये आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है। दूसरा भूमिका है कोला सूर, ये पृथ्वी का प्रतीक है। तीसरा भूमिका है हीरा ज्योति, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। चौथा भूमिका है मानकुर सुगाल, ये वायु तत्व हवा का प्रतीक है। और जो 7वां नंबर का तुरपुर आय भूमिका 7 देवधारियों का, वो जल तत्व का प्रतीक है। हो गए ना 5 तत्वों के, 5 भूमिका। उन्हीं के नाम से ये 5 कलश रखी गई है, 5 तत्वों का हो चाहे 5 भूमिका का हो। इसके बाद इनको पेनवासी कंगाली जी ने गोंडी में लिखा। इनको गोंडी में क्या बोलेंगे? लमोटिया पेन, भूटिया पेन, अदीटिया पेन, माटिया पेन, अमोटिया पेन, ये गोंडी में बोलेंगे। पेन मतलब शक्ति होती है, ठीक है ना? अब गोंडी नहीं जानते तो हिंदी में लिख लेना, नहीं तो यहाँ पुस्तक वाले आए हैं, पुस्तक लेना, क्योंकि ये पुस्तक बहुत जरूरी है। हर घर में गोंडी इतिहास पुस्तक रहेगी तो हमारे बच्चे कभी ना कभी पढ़ेंगे तो उसकी जानकारी हमको होते रहेगी। इसलिए हर घर में पुस्तक होना बहुत जरूरी है हमारी संस्कृति की। तो ये 5 है गोंडी में, अमोटिया, लमोटिया, घोटिया, अदीटिया, माटिया, ये तत्वों के नाम है गोंडी में, 5 शक्तियों के। अब इसके बाद में अब हमारे जो गोत्री देव है उनके बारे में बता रहा हूं। गोत्री देव कौन से? जिनके माध्यम से हमारा विवाह होता था। आज व्यवस्था गड़बड़ा गई है, गड़बड़ा गई ना? अब हमारे लोग देवों के अनुसार विवाह नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं गड़बड़ होने लगा। ये देव है जैसे 6 वाला अलग है, 7 वाला अलग है, 5 वाला अलग है, 4 वाला अलग है, 3 वाला अलग है ना? तो हमारे में व्यवस्था बनी है कि समय सम गोत्र वाले आपस में विवाह नहीं करते हैं।
लेकिन कहीं कहीं दुआएं होने लगा। सम मतलब सम गोत्र कौन सा है? दो वाले, चार वाले, छह वाले, ये आपस में विवाह नहीं करते। क्यों? कि इनका बराबर है देव, बराबर में विवाह नहीं होता। एक किन से करेंगे विवाह? विषम गोत्र वालों से करेंगे, मतलब तीन वालों से करेंगे, पांच वालों से, सात वालों से। हमारे इधर अभी भी गड़बड़ नहीं हुआ, अभी भी ऐसे ही चल रहा है। लेकिन एमपी में कुछ जगह भी गड़बड़ है, जबलपुर तरफ ये व्यवस्था है। सम और विषम गोत्र के धारी एक दूजे से करते हैं रिश्तेदारी। तो अब पहले जैसा भी हुआ तो हो जाने दो, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी जो है शादी विवाह करोगे तो आप लोग इस चीज को विचार के करोगे, तो यही से हमारी लाइफ ठीक होते रहेगी। तो एक देव वाले हैं, नहीं हो, दो वाले नहीं है, तीन वाले, तीन वाले वाले। तो जो तीन वाले हैं उनके देवों के नाम लिखना है तो लिख लो, क्योंकि ये नाम जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम दुनिया भर के देवी देवता भगवानों को जान रहे हैं लेकिन खुद का नहीं जान पा रहे। उनका भी जानो लेकिन हमारा भी जानना पड़ेगा। अगर नहीं जानेंगे, नहीं बताएंगे तो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को लोग अंधविश्वास कहेंगे। इसलिए तो जो देव है, पहला देव है जुगाल गोंगो, गोडी में थोड़ा अटपटा लगेगा, ठीक है ना। कौन सा देव है? जुगाल गोंगो, मुलाल गोंगो और सुकाल गोंगो, हो गए ना। जुगाल गोंगो, मुलाल गोंगो, सुकाल गोंगो, ये धातु है, धातु धातु के प्रतीक है ये देवता। 28 धातु है, उन्हीं का बंटवारा हुआ है, क्योंकि हम प्रकृति को मानते हैं कि नहीं, इसलिए उस प्रकृति से मिलाया गया है। तो जो जुगाल और मुलाल और सुकाल है, ये कौन सा धातु के बने होते थे देव हमारे? ये धातु के बनाए जाते थे, घर में टुकड़ा होते थे धातु के, उनकी पूजा होती थी। कैसे? जो जुगाल गोंगो है वो जस्ता धातु का बना होता है, जस्ता जो धातु होता है ना, जस्ता। और जो मुलाल गोंगो है वो कैल्शियम धातु का बना होता था, और जो सुकाल गोंगो है वो रेडियम धातु का बना होता है। ये तीन धातु की पूजा कौन करते थे? तीन देव वाले। इसके बाद चार देव वाले उठाएंगे हाथ होंगे तो, क्योंकि इसलिए उठवा रहा हूँ, जो होंगे उनकी बताऊंगा, जो नहीं होंगे उनको नहीं बताऊंगा, ठीक है, है, है। चार देव वालों का देव है गोत्री देव, गोत्री सगा पेल, माल गोंगो, काल गोंगो, लाल गोंगो और पाल गोंगो। ऐसे नाम होते भैया गोंडी देवताओं को, लाल गोंगो, पाल गोंगो, माल गोंगो, काल गोंगो, हो गए ना। ये भी धातु है, हीरा, सोडियम, लोहा, रांगा। अभी आप धातु मत लिखो, पहले देव भर लिख लो, ज्यादा वजन हो जाएगा तो भूल जाएंगे। अभी देव के नाम याद करना है, ठीक है ना। कोई भी पूछेगे तो बता सको, कम से कम प्रमाण कर सको कि हम गोंड है, हमारे देव है। और नहीं बताओगे तो कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। हो गए चार वालों के, इसके बाद में पांच वाले हैं। हाँ चलो, है पांच वालों के देवता है, अहा गोंगो, महा गोंगो, मेका गोंगो, रेखा गोंगो और दो इंदा गोंगो, हो गए ना पांच। अहा, महा, रेखा, मेका, दो इंदा, ये पांच हो गए। ये एक दूसरे से मिलते नहीं है, अलग अलग है, मिल जाएंगे तो विवाह नहीं होगा। पांच वालों के हो गए, इनका भूमिका था हीरा ज्योति। इसके बाद छह देव वाले हैं, छह देव वालों के देव हैं गोत्री देव, अहेदाल गोंगो, महेदाल गोंगो, अपादाल गोंगो, टीपादाल गोंगो, पांचवा भंटेदाल गोंगो और छठवा कोइंदाल गोंगो, हो गए ना। अहेदाल गोंगो, महेदाल गोंगो, अपादाल गोंगो, टीपादाल गोंगो, भंटेदाल गोंगो, कोइंदाल गोंगो, हो गए ना। इनको याद कर लेना, अहेदाल, महेदाल, अपादाल, टीपादाल, भंटेदाल, कोइंदाल गोंगो ना शिवा शिवा। धूप छोड़ोगे तो कैसे छोड़ोगे? छह वाले हमारे वो बोलते हैं ओ मावोर बोलते हैं, ठीक है ना। नहीं कई लोग ओम बोलते हैं, ओम नहीं बोलते, ओ मावोर, या ओ मावोर नहीं बोल रहे तो सर्वोच्च शक्ति लगा दो पहले। सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, अहिदाल, महिदाल, अपादाल, टीपादाल, भंडेदाल, कोइंदाल, कोंगुना, कुरकमकाल, सियातुरोम, नूका दानाम, सियातुरोम, कोया पुंगार, सियातुरोम, पंडरी पुंगार, सियातुरोम, बेलपाती, सियातुरोम, सेवा सेवा।
कोया पुंगार का मतलब होता, कोया पुंगार बोला ना मैंने, पंडरी पुंगार कोया पुंगार, कोया पुंगार का मतलब होता मऊहा का फूल, पंडरी पुंगार का मतलब होता सफेद फूल, बेलपति मतलब बेलपति, नूका दाना मतलब हल्दी चावल, ऐसा करके बोल के चढ़ाते हैं। तो हमारे पुरखा लोग ही देवता है, हमारे पुरखा गोंडी बोलते थे, गोंडी में बोल के चढ़ाओगे तो हमारे पुरखा जल्दी समझेंगे, समझेंगे कि नहीं। अब जो अंग्रेजी नहीं बोलता था उसको अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो समझेगा क्या? नहीं समझेगा। हमारे पुरखा हिंदी भी नहीं जानते थे। अभी मैं बैतूल जिला जाता हूँ, जो सियाने सियाने जो गोंडी बोलते वो हिंदी नहीं समझते। तो हमारे देवता सब गोंडी बोलते थे, जो पुरखा लोग देवता बने हैं, तो अब हिंदी बोलेंगे तो समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। इसलिए हमको बोलचाल हिंदी में करो अंग्रेजी में करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी पूजा होना चाहिए गोंडी में, तब आपकी विनती सुनेगी हमारे पुरखा लोग। अब कह रहे रात में पूजा कर रहे हैं, हिंदी नहीं सुन रहे, काय को सुनेंगे, वो तो समझ ही नहीं रहे कि क्या बोल रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, ठीक है ना? तो ए हो गए हमारे छह देव। अब इसके बाद में नंबर आता है सात वालों का, तो सात वाले उठाएंगे कितने है। हाँ, सात वाले ध्यान से सुनना, याद रखना, क्योंकि मैं भी सात वाला हूँ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा तो क्या कहेंगे तुमको लोग, तुम्हारे गोत्र तुम्हारे दिलधारी गुरुजी आए तो तुम्हारी को याद रखना, तो बदनाम मैं भी होऊंगा या भी होऊंगा, ठीक है ना? तो कम से कम आप लोग जरूर याद रखना, तब तो बोलेंगे कि यार हमारे देवधारी गुरु जी आए थे, करते खुद याद पहले करना, ठीक है। इनके देव है धनवा गोंगो, धनवा को पेंदा गोंगो, चितका गोंगो, राई गोंगो, भंटाए गोंगो, गोविंदा गोंगो, हो गई ना, हो गई कि नहीं? धनवा, धनठाई, पेंदा, राई, चितका, भंटाए, गोविंदा, इनकी पुस्तक भी मिलती है, ये दुकान में देखना, दुकानदारों से पूछना कि हमको ऐसी पुस्तक चाहिए जिनमें छठी छताई हो, गोत्री देवी देवताओं की नाम मिलती है, ठीक है। हमारे एमपी से हमारे राजकुमार हाथी जी आए हैं दुकान वाले, और यहीं से है वो आपकी छत्तीसगढ़ से केवल मणावी जी है सर, ठीक है, वो सब आए हैं, देखना है आपको एक पुस्तक जरूर लेना है। और एक पुस्तक है पेनवासी कंगाली जी ने लिखा है, जो बारीकी में लिखा है, शायद वो 300-400 रुपये करीब की होगी, मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत पहले की है 100 रुपये की, ठीक है। तो वो पुस्तक भी देख लेना, पूछ लेना, ये पुस्तक अगर पढ़ोगे आप बारीकी से तो पूरा जानकारी हो जाएगी आपको, इसमें पूरी चीज दिया है। तो एक गोत्री देव के नाम बताया, इसके बाद हमारे इसके बाद के जो देवता है 8 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, ये क्या हुआ कि ये जो भूमिका बने तो उनकी वंशावली नहीं चली गई, इसलिए वो देव वाले लोग नहीं बनते, ठीक है। तो इनमें व्यवस्था ऐसी है, जब रिश्तेदारी करते हैं तो विषम विषम वाले विवाह मत करना, विषम वाले सम से करेगा, सम वाला विषम से, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जैसे ये साउंड चलता है, ये साउंड सम और विषम से चलता है, चलता है ना, सम और विषम क्या है, अर्थिंग और फेस, धन और ऋण, अगर हम धन ही धन को मिलाएंगे तो साउंड नहीं चलेगा। इसी प्रकार हम समय समगोत्रधारी शादी विवाह करेंगे तो हमारा जो वंशावली है कुछ दिनों में वो कमजोर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कोई बांझपन आएगा, किसी की संतान नहीं होगी, कहीं कमजोर होगा, ये दिक्कत हो सकती है, ये प्रमाणित है, मैंने देखा हूं। अगर किसी के पास भैंस ही भैंस रहे, अगर आपके घर में भैंस या गाय है, आप लोग वो भैंसों को या किसी से मिलने मत देना, कुछ दिनों के बाद में उन्हीं का जो बच्चा होगा उन्हीं से उनके वो संख्या बढ़ेगी, प्रजनन होगा, कुछ दिनों के बाद में आपका भैंस का जो समूह है वो खत्म हो जाएगा, और अलग अलग एक दूसरे से मिलते रहेंगे ना, तो नहीं होगा, एक जमीन में आप एक ही एक बीज बोता रहोगे तो उस बीज में कमी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, ये प्रकृति का नियम है, और हम प्रकृति को मानने वाले हैं, इसलिए हम विवाह सब विषम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी व्यवस्था, इस चीज को याद रखना, क्योंकि हमको बदलना है, सही करना है धर्म। अब इसके बाद में 2 वाला 4 वाला 6 वाला, इन सबके बीच में एक जीवा पेड़ होता है, एक दिव होता है,
उसको हमारे जितने भी सम गोत्र वाले हैं वो मारते नहीं, उसको खाते नहीं, उससे हमको पावर मिलता। सामूहिक वाला बता रहा हूँ, फिर अलग 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 है जीव, अभी सामूहिक रूप में। अरे करंट लगी ना। उसको बोलते हैं बॉडी में पुल्ली, पुल्ली को बोलते हैं हिंदी में शेर, ठीक है। ये लोग शेर को नहीं मारते, और शेर को खाते तो कोई नहीं, और मारते भी कोई नहीं। ये उनका पावर देने वाला देव है। जितनी ज्यादा शेरों की संख्या बढ़ती है बोले, उतने ही ज्यादा ये छह देवधारी, चार देवधारी, दो देवधारी पावर होते हैं। वहां से उनको कुछ ना कुछ ऑक्सीजन जैसा मिलता है, जैसे पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, उस शेर से मिलता है। ये आप लोगों के लिए बरकत का देवता कहलाएगा, सदैव बरकत, समझते हो, सदैव बरकत। ये प्रमाण बता रहा हूँ, देखना। शेर अगर कोई की खेत के जमीन के अंदर अगर चला जाता है जहाँ फसल लगी है, शेर अगर उस फसल में घुस गया तो वहां की फसल जब काटोगे तो वहां का अनाज कम नहीं होगा। भली लिखा नहीं है, ये प्रमाण है। वो अनाज हमारे गोंड लोग उसको अलग रख देते थे कपड़ा में बांध के, उसको खर्च नहीं करते थे, उसको रखा रहने देते थे। हमारी बरकत कम नहीं हुई, सदैव बढ़ता था, इसलिए कई लोग उसको ढूंढते रहते हैं। ढूंढते हैं, कोई पंजा ढूंढ रहा, कोई छाछ ढूंढ रहा, पता नहीं। ऐसा नहीं है, नहीं बनता ऐसा पैसा। अगर ऐसा बनता तो मैं बना लेता घर में चुपचाप बैठ गया। ये बरकत के लिए ढूंढते हैं मेरे भाई। समझ गए ना, ये तुम्हारा देवता है, जीव अपेन बोलते हैं गोंडी। अब जितने भी विषम वाले हैं, तीन वाला, पांच वाला, सात वाला, इनका देवता होता है जिसको गोंडी में बोलते हैं सुई कुकड़ी। कुछ लोग इसको से ही भी बोलते हैं, कुछ सुई भी बोलते हैं। सुई समझते हैं ना, जिसके शरीर में कांटे होते हैं, जो अपने कांटे से आम तोड़ के गिरा लेती है। इसको जितने भी बेसम वाले हैं इसको मारते नहीं, और इसको खाते भी नहीं, क्योंकि इनका देवता, इसको मारेंगे तो घर में कुछ ना कुछ परेशानी चालू हो जाती है, कहीं ना कहीं से देखा हो जाती है, इसलिए इसको मारना मत, इसको खाना मत। ये इनका सदैव बरकत का देव है। कैसे है इसका भी बता रहा हूं। कुछ गोंड लोगों को देखे होंगे, जब हमारी मातृशक्तियाँ पूरी बनाती थी, पूरी को गोंडी में कोपा साड़ी बोलते हैं, ठीक है। जब पूरी बनाती थी तो उसी सेही के कांटे से निकालती थी, पुरानी दाइयों को पता होगा। मैंने एक बार पूछा ये ऐसा क्यों, तो बोली इससे तेल तेल कम जलता, तेल खत्म नहीं होता। कुछ साहू लोगों को देखा मैंने, साहू मतलब जो तेल का काम करते थे पहले, जिनको तेल ही कहा जाता था, मेरे आधा किलोमीटर उन्हीं की बस्ती है, वो तेल जब बेचने जाते थे तो वो तेल के बर्तन में मट्टी मटकी होती थी, माटी के, उनमें तेल बेचने जाते थे तो वो लोग उसमें सेही के कांटे डाल देते। एक बार पूछा कि कांटे क्यों डाले हो, तो बोले इससे हमारा तेल खत्म नहीं होता। तो भाई समझ गया कि ये बरकत का काम करता है, ठीक है ना। देखिए हमारी संस्कृति, सभी लोग मानते थे अब तो वो भी डालते थे। तो ये अलग अलग हो गया सबका। अब सभी गोत्रधारियों के बीच का एक पेड़ होता है, बड़ा पेड़, चाहे वो छह वाला हो, सात वाला, चार वाला, सबका पेड़ कौन सा है, साज का पेड़ है ना, साज बड़ा। इसको कोई भी देवधारी हो इसको काटते नहीं है, अगर इसको काटेंगे तो हम प्रकृति के पुजारी नहीं माने जाएंगे। साज का पेड़ को मत काटना, सबका है। इसके बाद में एक समस्या और है, इधर आपके इधर नहीं होगी, कुछ जगह है छत्तीसगढ़ में। अब चाहे वो कोई भी देवधारी हो, छह वाला हो, सात वाला हो, जो फड़ापेन या बड़ादेव कहा जाता है, ये सबका है। प्रकृति सबकी है कि नहीं है, लेकिन यहाँ कहीं कहीं मैंने देखो भेद चलता, बड़ादेव वाले अलग हो जाते, बूढ़ा देव वाले अलग। ऐसे हमारे लोग फूट फूट होते रहेंगे, कभी संगठन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। फड़ापेन बड़ादेव उसको कहते हैं जिसका कभी जन्म हुआ है न कभी मरण हुआ है। तो वो कौन है जिसका जन्म होता ना मरण होता, वो है पांच तत्व शक्ति फड़ापेन। इसको सभी गोत्रधारी मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते। बड़ादेव के बिना कोई जीवित नहीं रहेगा। अब उसके बाद में आता है बूढ़ा देव, तो सबका बूढ़ा देव कौन है, सबका बूढ़ा देव है शंभू बाबा, है ना।
जैसे आज हमारे राजा साहब बैठे हैं, वो सबके राजा ही नहीं है, है ना? इसी प्रकार शंभू भी राजा था पांच खंड धरती का। जब वो बाबा शंभू खत्म हुआ तो जितनी भी प्रजाति सबने उसके बूढ़ा देव को देव स्थापन किया। उसी बूढ़ा देव को आप लोग ईश्वर गौरा के रूप में मानते हैं। ईश्वर गौरा बोलते हो, गोनी में शंभू बोलते हैं। शंभू का मतलब होता पंचखंड धरती का राजा, ये उपाधि। अब एक सबका बूढ़ा देव हो गया, उसके बाद में और बूढ़ा देव होते हैं, तो वो हर गोत्रधारियों की हर गोत्रधारियों अपने अपने कुंड में अलग होते हैं कि नहीं? जैसे हमारे मरकाम जी राजा साहब का कुंड देवता अलग होगा, बूढ़ा देव कहेंगे ना उसको भी, मेरा कुंड का जो बूढ़ा होगा वो बूढ़ा देव अलग होगा। तो आप बताइए अलग अलग का, बूढ़ा देव को भी हम ही मानते हैं और बड़ा देव को भी हम ही मानते हैं, और बांट लिए तो फिर दिक्कत बनेगी, फिर हमारी सामाजिक खट्टी होने वाली नहीं है, ऐसे ही खेचर पानी चलता रहेगा। तो जो बाबा शंभू है, जो बूढ़ा देव है, ये बाबा शंभू ने भी उपासना किया था, पांच तत्व शक्तियों की फड़फे की साधना किया था। लिखा है ना चौपाई में, अखंड साधना शंभू ने की ना, और दिव्य ज्ञान बड़ा देव ने दीना। तो अलग अलग हुए की किसकी साधना किया, बड़ा देव की। बड़ा देव मतलब पांच तत्वों की योग साधना किया, योग साधना करके पांच तत्व शक्तियों को जागृत किया, कुंडली जागरण किया। कुंडली जागरण समझते है ना, जो योगी लोग होते हैं वो पांच शक्तियों को जागृत कर लेते हैं, जो जागृत कर लेता है उनकी कुंडली जागरण हो जाती है। जैसे स्कूल में पढ़े होंगे त्राटक विद्या, त्राटक या मेस्मेरिज्म जो होता है, आदमी अपनी आंखों से नजरों से आग लगा सकता है, आंखों में अग्नि तत्व होता है, लेकिन उसके लिए साधना करते हुए कर सकता सब लोग नहीं। जैसे एक कांच होती है ना चश्मे में जो आती है पावर वाली, उस कांच को धूप से लगाएंगे तो उसका जो थोड़ा दूर का धूप एक बिंदु बना के नीचे जहाँ पड़ेगा वहाँ कुछ भी रहेगी कंडे अंडे तो वहाँ आग लग जाती है, क्योंकि अग्नि तत्व है सूर्य में। इसी प्रकार आदमी के आंख में भी अग्नि तत्व होता है, अगर एक जगह बिंद बना के देख दे तो आग लग सकता है, लेकिन भाई 15-20 मिनट कौन देख पाएगा एक नजर से, कम से कम उसके लिए प्रैक्टिकल करते हैं योगी लोग, छह छह महीना लगता है इसको मतलब सिद्ध करने के लिए, मतलब इसकी प्रैक्टिकल इसको प्राप्त करने के लिए। तो ये बाबा शंभू ने पांच शक्तियों की योग साधना किया था, जल वायु अग्नि आकाश और धरती का। जब साधना किया बाबा शंभू ने तो वो त्रिकालदर्शी हो गया, महाविज्ञानिक हो गया, विज्ञान वैज्ञानिक था वो। तीनों काल की बात जानने लगा था बाबा शंभू, कि पहले क्या हुआ था भूतकाल में, भविष्य में क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, ये सब जानता था। मतलब तीनों काल की बात, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान का। इसलिए लोगों ने शंभू बाबा को कहा त्रिकालदर्शी है, ये तीन आंख वाला है, जबकि तीन आंख नहीं है, भली फोटो में बना दिया, कभी हो सकती क्या तीन आंख? तीन आंख नहीं, त्रिकालदर्शी का मतलब होता है तीनों काल की बात को जानने वाला। दो आंख से तो देख रहा है, एक होता है जिससे जो ज्ञान रूपी नेत्र, ये था बाबा शंभू का जन्म हुआ है, बड़ा देव का नहीं हुआ। प्रकृति का जन्म नहीं होता, प्रकट होती ये पांच शक्तियां होती ना, प्रकट होती कि नहीं होती? वायुदेव को प्रकट करना है तो पंखा चालू कर लिए, वायुदेव प्रकट हो गया कि नहीं हो गया? अग्निदेव को प्रकट करना है तो माचिस पाड़िए, अग्निदेव प्रकट हो जाता है। जलदेव को प्रकट करना है तो कुआं खोदवाइए, बोर करवाइए, जलदेव प्रकट होता है कि नहीं होता? ये पांचों देव प्रकट होते हैं, इसलिए जो प्रकट होता है उसका कभी मरण नहीं होता, ये होता है। और जिसका जन्म नहीं होगा तो वो मरेगा कैसे, और जो जन्म लेता है उसका मरण होना निश्चित है, चाहे कोई हो, चाहे संत हो, महात्मा साधु हो, सबको मरना पड़ेगा, लेकिन बड़ा देव कभी नहीं मरेगा। आप लोग कहेंगे कि गुरुजी ये शंभू के बारे में बता रहे, दुख तो कहते हैं कि इनके बाप ना मैया। मेरे भाई आज भी प्रमाण है, जगह देख के आ सकते हो, बाबा शंभू का जन्म जुन्नार देव, जिसको आज कहा जाता है, गांव है छिंदवाड़ा जिला, उसको गोंडी में जुन्नोर पेन बोलते थे, वही बाबा शंभू का जन्म हुआ था। जय जयंतोर और पुनीत्रा का बेटा था, सबसे पहला शंभू, ठीक है ना? तो ये हमारा बूढ़ा देव बना, तो समझ गए बूढ़ा देव और बड़ा देव में, बूढ़ा देव का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो खत्म हुआ, तो उसको हमने बूढ़ा